अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं राकेब जिया की यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी सो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थ्योरी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल फिलॉसफी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल थ्योरी सो दिस क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस क्योंकि हम देखते हैं जो पोलिटिकल साइंटिस्ट है जो पोलिटिकल फिलासफर्स है समटाइम दे यूज़ द टर्म पोलिटिकल साइंस सम टाइम दे यूज़ द टर्म पॉलिटिक्स सम टाइम दे यूज़ द टर्म पोलिटिकल थ्योरी इसलिए काफ़ी बच्चे काफी स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है पॉलिटिकल साइंस क्या होता है पॉलिटिक्स क्या होता है या पॉलिटिकल फिलासफी क्या होता है तो पहली बात आप जान लें कि दीज आर रिलेटेड कंसेप्ट यह सारा जो है पॉलिटिकल साइंस ही है लेकिन अब इसके ये अलग अलग ब्रांचेस है और अलग अलग ब्रांचेस में हम अलग अलग चीज़ों को डिफाइन करते हैं लेकिन आप देखते हैं जो हमारा अलेवन्थ क्लास का सिलेबस है उस बुक का नाम है पोलिटिकल थ्योरी तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पॉलिटिकल थ्योरी इसी तरह यूजी फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करें जो यूनिवर्सिटी है या कश्मीर यूनिवर्सिटी है या जितनी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटीज आती है उनके सिलेबस में भी पोलिटिकल थ्योरी का टॉपिक है तो इसलिए काफी बच्चे कंफ्यूज है कि सर पोलिटिकल थ्योरी और पोलिकल कॉन्सेप्ट पोलिटिकल साइंस को जो है आप कोशिएट कीजिए इसीलिए आज हम ऑलरेडी हमने अपलोड किए हैं वीडियोस वीडियोस काफी वीडियोस हमने पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर अपलोड किए हैं तो अगर आपको जानना है व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस या व्हाट इज पॉलिटिक्स तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है तो आप उन लिंक्स पे जाके पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स को जान सकते हैं लेकिन आज का हमारा टॉपिक जो है ये एक्सक्लूसिवली है पॉलिटिकल थ्योरी तो ये जानते हैं पोलिटिकल थ्योरी क्या होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स पोलिटिकल एंड थ्योरी पोलिटिकल यू नो दैट इट इज समथिंग रिलेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज लाइक पोलिटिकल साइंस लाइक पॉलिटिक्स बट वट इज थ्योरी थ्योरी क्या होता है आपने नाम सुना होगा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल हम कहते हैं थ्योरी का मतलब होता है कुछ चीज स्टडी करना और प्रैक्टिकल का मतलब होता है उसको प्रैक्टिकल करना है. लेकिन ये वो थ्योरी नहीं है ये बेसिकली ग्रीक वर्ड है थ्योरो जिसका मतलब होता है सींग और बिहोल्डिंग यानी देखना लेकिन कौन सा देखना टू सी समथिंग थ्रू द आई ऑफ माइंड हमारे जो पोलिटिकल फिलोस का मतलब होता है टू सी समथिंग थ्रू द आई ऑफ माइंड किसी चीज को देखना दिमाग की आंख से यानी ऑब्जर्वेशन डीपली किसी चीज को स्टडी करना और उस चीज के बारे में अपने दिमाग के अंदर जो है क्वेश्चंस पैदा करना व्हाई दिस इज हैपनिंग व्हाई दिस इज नॉट हैपनिंग तो व्हाई हाउ जैसे आपको एक डेफिनेशन आपको याद दिला दूं कि जो लॉसवेल की डेफिनेशन है दैट इज पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ दैट मींस ये क्वेश्चन दिमाग में पैदा करना कि ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों हुआ है व्हाई देयर इज गवर्नमेंट व्हाई देयर इज स्टेट व्हाई देयर इज लॉ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉस व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिबर्टी व्हाई लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट व्हाई यानी ये क्वेश्चन जो रेज होते हैं दिस इज कॉल्ड थ्योरी तो हमारा पॉलिटिकल जो इसकी हिस्ट्री अगर हम आज से हज़ार साल की बात है, कि जब से पास आया है पहले पॉलिटिकल साइंस बना और अब इसको हम पोलिटिकल थ्योरी बोलते हैं लेकिन पोलिटिकल थ्योरी में हम किन आस्पेक्ट को डील करते हैं पहले हम इस चीज को डिफाइन करेंगे तो पोलिटिकल थ्योरी में बेसिकली हम ज्यादा प्रैक्टिकल्स के ऊपर साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जो है फोकस करते हैं और उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम पॉलिटिकल uh, साइंस में हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्टेट स्टेट क्या होता है बट इन पॉलिटिकल थ्योरी वी से व्हाई देयर इज स्टेट व्हाट इज द इम्पोर्टेस ऑफ स्टेट इफ देर इफ देयर विल बी नो स्टेट वट विड हैपन तो इसमें वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में रेज हो जाते हैं वाई हाउ वेन

टम्प्ट जो वो करता है अपने दिमाग से जो मेरे जो क्वेश्चन वो पैदा करता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन कैसे निकालू यानी देर आर वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स स्टेट इज फेसिंग प्रॉब्लम गवर्नमेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम आवर इंस्टीट्यूशन आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स बट पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी इन प्रॉब्लम्स को स्टडी नहीं करती बल्कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन हो सकता है इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उस चीज को डील करता है तो एक और डेफिनेशन हमारे पास है कैटलन की जो कहता है पोलिटिकल थ्योरी इंक्लूडस पोलिटिकल साइंस एंड पोलिटिकल फिलोसफी वायर साइंस रेफर्स टू द फिनिना ऑफ कंट्रोल इन मेनी फॉर्म्स और ऑल द प्रोसेस व्हाट इज नेशनल गुड एंड व्हाट इज गुड सोसाइटी यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है बेसिकली ये इंक्लूड करता है इसमें पॉलिटिकल साइंस भी डील काम करते हैं पॉलिटिकल फिलासफी भी लेकिन हम इस ज्यादा फोकस करते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर जिनमें हम जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन स्टेट की प्रॉब्लम क्या है गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है तो कैसे लॉज होने चाहिए किस टाइप के लॉज हमें होने चाहिए जो हमारी स्टेट को कंट्रोल करे तो ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं डेस्ट टूडे अवर टॉपिक वॉज अबाउट पोलिटिकल थ्योरी आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा और जो कंफ्यूजन इसमें होंगे तो कॉमेंट सेक्शन किस लिए होता है आपको देनेट्स आप करते हैं ना कि, us, good, nice. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कॉमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप पूछे तो उससे मुझे पता लगेगा कि यू आर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट और जो मैं हमने प्रीवियस लेक्चर मैंने डिलीवर दे, किए हैं इसके ऊपर ऑलमोस्ट हमने फर्स्ट यूनिट जो है कवर किया है यूजी फर्स्ट सेमिस्टर कश्मीर कलस्टर यूनिवर्सिटी मटेरियल भी ग्रुप दिया है उसको भी देख ले और मुझे उम्मीद है कि भी भी करेंगे आप देखते रहेंगे। और साथ ही हमारे सब्सक्राइब करना भूल आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए साथेयर करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच खुदाज